नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। हरदोई के शाहवा थाना इलाके में एक गांव में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है, जहां एक ग्राम प्रधान पर नाबालिग से रेप का आरोप लगा है। ग्राम प्रधान ने अपनी हवस के चलते एक नाबालिग बालिका को ही अपना शिकार बना लिया, जिसकी शिकायत पीड़ित द्वारा पुलिस से की गई, तो पुलिस ने आरोपी ग्राम प्रधान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। आइए बात करते हैं इसी विषय में पीड़िता से, बा उसके पिता से। हमारे बेटे के साथ में हमारे पड़ोस में हमारे के भौजाई है, जो ले गए और जो टट्टे फिरने गए, टट्टे फिर गए, वहाँ फोन किया और फोन करके इन्होंने उसको बुलवाया, परिवार को प्रधान को बुलवा कर वही पकड़ लिया, इसको हाथ पैर बांध दिए, जो कुछ करना था वो किया। पुलिस को सूचना दी आपने? पुलिस को सूचना दी। आपके साथ देखो, हम आगू आगू गए थे, ये पीछे पीछे मेरे गए थे, तो इसने हमने देखा नहीं, इसने फोन कर दिया प्रधान को, तो प्रधान आके मुझे पकड़ लिया, मुँह में रुमाल बांध दी और हाथ में देखो अंगोछा बांध दो मेरे, और बांध दो ते बचाची बोली है सोन पानी कही देखो देखो कही इसको प्रधान उठा के ले जाओ। उसने हमने उसका हाथ पकड़ा, उसने हाथ में पकड़ा, हमने एक एक करके किया तो उसने एक मेरे थप्पड़ मारा, तो सोन पाली ने बोली कि इसको ले जाओ तुम प्रधान, कुछ नहीं होगा, तो डर के मारे उन्हें बताया नहीं सर। तभी क्या हुआ आपके साथ? तो उसने मेरा डर के मारे नारा खोल लिया अपने आप, तो मेरी सभी जल्दी उठ लगी है उसने। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी ने घटना की जानकारी ली और जल्द ही कार्रवाई की बात कही है। वहीं पीड़ित से भी मुलाकात की, साथ ही थाना अध्यक्ष को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। 13 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना हुई, उसमें क्या मामला हुआ है और क्या कार्रवाई की जा रही है? एक घटना थाना शाहबाद के फिरोजपुर में हुई है और ये घटना परसों की बताई जा रही है। वर्तमान ग्राम प्रधान के ऊपर आरोप है कि उन्होंने 13 साल की बच्ची के साथ रेप किया है, उनका मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और शीघ्र ही गिरफ्तारी प्रयास किया जाए।